वही मैं आज मैं चाट मसाले वाली क्या नाम है ये मिर्च बनाऊंगी जो तेल की। तो ये मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ले लिया, ये मेरा 2 चम्मच के लगभग चाट मसाला है इसे ले लिया। और कुटी हुई मैंने ज़्यादा सौंफ को महीन नहीं किया तो ये दरदरी मैंने सौंफ ले ली 2 चम्मच। आधी चम्मच में हल्दी पाउडर ले लेती हूँ और नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना भी आपकी इच्छा हो उतना डाल सकते हैं। इन सबको मैं ये मिक्स करती हूँ और फिर ये सारी मिर्च में ये सारा मसाला भरती हूँ। तो ये देखिए, और इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी डालूंगी। ये देखिए, तो मैंने इसमें थोड़ी सी ये हींग भी डाल दी और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं ये सारी मिर्च भरूंगी। ये देखिए, हमने इसमें सारे मसाले, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई धनिया और क्या नाम है सौंफ पाउडर और हल्दी और हींग का पाउडर और चाट मसाला ये सारे मिक्स कर लिए और ये सारे मैंने अचार के मसाले इसी तरह भर लिए। अब इसको मैं तेल में फ्राई करूंगी। तो आप भी इस तरह के मिर्च लाके, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती और ये छोले भटूरों के साथ या आप खाने के साथ किसी के भी साथ इसको ऐड कर सकते। तो देखिए मैंने ये सारी मिर्चें भर ली हैं। अब ये मैंने ये देखिए तेल भी चढ़ा दिया है। ये तेल मेरा ये सरसों का तेल जो है गर्म हो रहा है। ये देखिए, ये सरसों का तेल मेरा गर्म हो रहा है। अब इसमें ये जो मिर्चें हैं इन मिर्चों को, सारी मिर्च जो है मैंने चाट मसाला सौंफ भुना हुआ जीरा भुना हुआ धनिया और नमक हींग से डालकर मैंने भर लिया और ये तेल सरसों का तेल गर्म हो गया। अब इसमें मैं ये सारी मिर्चें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये सारी मिर्चें मैंने इस पर डाल दिया और डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसे मिक्स कर दूंगी और इसे धीमी आँच में 2 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी और ये आपकी स्वादिष्ट मिर्च तेल वाली स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाएंगी। तो आप ये देखिए, अब मैं इसमें ये थोड़ा सा आपकी फ्राई मिर्च जो मैंने छौंकी ये हींग से सौंफ से और भुना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाले से, तो ये फ्राई करी हुई मिर्च बन के तैयार हो गई और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती क्योंकि मैं सारे ही मसाले भुने हुए और पीस के डिब्बों में रखती, तो जिससे मुझे कभी भी कोई चीज़ मिर्च मसाले का अचार बनाना पड़ता है तो मेरा तुरंत ही बन जाता। और मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल में इस मिर्च को फ्राई कर लिया। तो आप इसे पराठों के साथ खाने, ये दाल चावल रोटी सब्जी के साथ, किसी के भी साथ या छोले भटूरों के साथ भी ये मिर्च खा सकते। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गई और बहुत ही टेस्टी। तो आप भी एक बार इस तरह की चटपटी फ्राई मिर्च की रेसिपी सभी लोग बनाइए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए, शिव परिवार रसोई रेसिपी के चैनल को। ओम नमः शिवाय।